हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज 31 जुलाई दिन बुधवार, आज मैं आप सबको देश और दुनिया की सिलेक्टेड 25 बड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें। इसी के साथ सबसे पहले दोस्तों आप सबको बता दें कि आज महान क्रांतिकारी अमर शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी के साथ देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। और इसी मौके पर हरियाणा सरकार ने आज सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रहने का ऐलान किया है। सरकारी कार्यालयों में भी है छुट्टी का ऐलान। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूल में 31 जुलाई को छुट्टी की घोषणा की गई है। उधम सिंह शहीद दिवस पर छुट्टी के लिए सभी स्कूलों को नोटिस भी भेज दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केरल के वायनाड में 4 घंटे में 3 लैंडस्लाइड हो गई जिसमें 125 लोगों की जान चली गई। वहीं सेना और एयरफोर्स रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। केरल में भारी बारिश का अलर्ट है और 8 जिलों में भी स्कूल बंद का ऐलान कर दिया गया है। इस बड़ी घटना के बाद केरल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। केरल में सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और 2 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं कि केरल के वायनाड में मेपाड़ी में यह घटना हुई है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी हो गया बड़ा रेल हादसा। हावड़ा मुंबई मेल पहले से ही डिरेल मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और 22 लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ इस पर खबर निकल कर आ रही है कि मालगाड़ी ड्राइवर ने 6 मिनट पहले ही डिरेल की सूचना दी थी लेकिन जिम्मेदारों ने नहीं लिया एक्शन और हावड़ा मुंबई मेल मालगाड़ी से टकरा गई। वहीं इसी के साथ दोस्तों आप सबको बता दें कि झारखंड ट्रेन हादसे में रेलवे ने भी किया है मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवारों को देगी 10-10 लाख रुपए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दुष्कर्म पीड़िताओं की जांच केवल महिला डॉक्टर करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से BNSS में संशोधन करने का किया है आग्रह। दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट का सभी सरकारों को निर्देश है कि मेडिकल जाँच केवल महिला डॉक्टरों द्वारा ही की जाए क्योंकि पीड़िताओं को भी निजता का अधिकार है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का धरना खत्म हुआ। दिल्ली समेत 19 राज्यों में प्रदर्शन जारी था। आप बोली दिल्ली सीएम की जान को खतरा है। वहीं 30,000 कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस की भी सुनवाई हुई। डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए 24 अगस्त को लिस्ट किया गया। 13 मई को गिरफ्तार हुए थे विभव कुमार। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम सूर्य घर योजना से हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। पीएम मोदी बोले कि योजना रिवॉल्यूशन लाएगी, हमारे ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। जिसमें पीएम ने ऐलान किया कि पीएम सूर्य घर योजना में सरकार हर एक घर को 75,000 रुपए देने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं होंगी स्थापित। इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। और वहीं आपको बता दें कि यह सम्मेलन राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में देश भर के सभी राज्यों के राज्यपाल इसमें भाग लेंगे। इसी के साथ पर्यटन को लेकर अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ रहा है ग्रामीण पर्यटन का क्रेज। केंद्र सरकार के प्रयास से ग्रामीण होम स्टे और पोर्टल भी विकसित किया गया। आपको बता दें कि पहाड़ों, नदियां, झरने और बर्फ और प्राकृतिक सुंदरता से भरे स्थान पर्यटकों खूब लुभाते हैं जिसमें गाँव के भी कई क्षेत्र आते हैं। और वहीं सरकार ने रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यह एक पोर्टल भी विकसित किया है। वहीं इसी के साथ पेरिस ओलंपिक को लेकर भारत के लिए बड़ी खबर, भारत के खाते में आया 2रा मेडल, मनु सरबजोत की जोड़ी ने जीता 2रा ब्रॉन्ज। वहीं आपको और भी बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने भी आयरलैंड को 2-0 से हराया, धीरज बोम देवरा बाहर हो गए। वहीं इसी के साथ भारत बेहद खुश है, प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर खेल से ही जुड़ी, भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिली। 2025 में होगा यह मेन्स क्रिकेट इवेंट, 2027 में बांग्लादेश में खेला जाएगा। वहीं इसी के साथ भारत श्रीलंका मैच के बारे में भी आप सबको बता दें कि भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। श्रीलंकाई बैटर्स ने महज 3 रन का टारगेट दिया था जिसे सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर ही चौका मार कर जिता दिया। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, संसद में जम्मू कश्मीर का बजट पास हुआ, पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड पर इसमें ज्यादा फोकस दिया गया, 370 हटने के बाद यह 5वां पूर्ण बजट है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जापान में जयशंकर बोले कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया, उससे हमारे रिश्ते खराब है लेकिन तीसरे का दखल मंजूर नहीं किया जाएगा इसमें। जापान के टोक्यो में क्वाड देशों की सोमवार को बैठक हुई थी और इस बैठक से पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सावधान हो जाएं, चाय की पत्ती में रंग संग मिला रहे लोहे के भी कण, जांच में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। चाय की पत्ती का वजन बढ़ाने के लिए चाय की पत्ती में मिलाए जा रहे लोहे के कण। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उदयगंज में चाय पत्ती के नमूनों की जांच की तो चाय की पत्ती में अशुद्ध लौह के कण भी मिले। वहीं चाय की पत्ती में जब चुंबक डाली गई तो उसमें लौह कण चिपक भी गए। वहीं खाद्य सुरक्षा अफसरों ने तत्काल उसका पूरा स्टॉक नष्ट कराते हुए इसकी नोटिस भी जारी की है। वहीं हाल ही में पाल टी हाउस में भी चाय की पत्ती की जाँच की गई थी तो उसमें भी रंग मिला हुआ था। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश ग्वालियर का यह बड़ा मामला, 8वीं फेल, दो बदमाश छाप रहे थे नकली नोट, क्वालिटी ऐसी कि पुलिस भी हैरान हो गई, 2 महीने में चला दिए मार्केट में 4 लाख रुपए। इसी के साथ मौसम से जुड़ी अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश मानसून अपडेट, आपको बता दें कि भोपाल में जोरदार बारिश, कलियासोत डैम के 2 गेट खोले गए, सिप्रा का जलस्तर भी बढ़ा, वहीं कुछ मंदिर वगैरह भी डूब चुके हैं इसमें। वहीं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटा, पुल दुकानें बह गई, होटलों में भी पानी घुस गया, हरियाणा में भी कल तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं इसी के साथ हिमाचल मानसून अपडेट, आपको बता दें कि मानसून हुआ एक्टिव, कुल्लू मनाली में भी बादल फटने से तबाही, 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 24 घंटे में नॉर्मल से 83% ज्यादा बरस गए बादल। वहीं इसी के साथ अगले 24 घंटे में मौसम के संभावित गतिविधियों का अनुमान क्या रहेगा, आप सब देख सकते हैं। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सोने व चांदी के आज का भाव के बारे में जानते हैं। सोने में जारी हुआ गिरावट पर लगा ब्रेक, महंगा हुआ गोल्ड, खरीदारी से पहले फटाफट चेक करें भाव। इसी के साथ आप सबको बता दें कि सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई, गोल्ड 68,680 रुपये पर आया, चांदी 842 रुपये गिरकर 81,350 रुपये प्रति किलो पर है अभी। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केरल हाईकोर्ट बोला कार्टूनिस्टों को भी अभिव्यक्ति की आजादी है, कार्टून से तिरंगे में केसरिया की जगह काला रंग दिखाया, झंडे के अपमान का मामला हो गया है खारिज। वहीं इसी के साथ केरल हाईकोर्ट का कहना है कि कार्टूनिस्ट प्रेस और मीडिया का ही जरूरी हिस्सा है। और वहीं इसी नाते भारतीय संविधान का आर्टिकल 19A उन्हें भी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश और फिलीपींस में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया यूरोपीय संघ, 2.4 मिलियन यूरो स्वीकृत किए गए मदद के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में पंजीकरण करने के लिए युवाओं को ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दी बड़ी राहत। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा पैसा नहीं ले सकते बार काउंसिल, वकीलों के एनरोलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी राहत वाली खबर, सरकार के सख्ती और एक्शन का असर दिखने लगा है, बाजार में घटने लगे टमाटर प्याज और आलू के दाम। वहीं इसी के साथ भारतीय नौसेना से जुड़ी अगली बड़ी खबर, समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, 3 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए तैयार है भारतीय नेवी। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है सामने, चिंताजनक है, भारत के किसी भी शहर की हवा WHO के मानकों पर खरी नहीं है, मेघालय का बर्नी हाट सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि देश भर के लगभग 256 शहरों की वायु गुणवत्ता WHO के मानकों पर खरी नहीं उतरी। वहीं इसी के साथ ओडिशा में बनेगी दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, NTCA से मंजूरी मिल चुकी है, साल के आखिर तक शुरू होने की है इसकी उम्मीद। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड देहरादून में केसरिया रंग में रंगी धर्मनगरी, हाईवे डाक कांवड़ियों से पैक हो चुका है, 9 दिन में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ियों ने जल भरा हुआ है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार के बाद यूपी में भी पेपर लीक के कानून सख्त हो चुके हैं, 1 करोड़ जुर्माना से लेकर उम्र कैद तक की होगी इसकी सजा। वहीं इसी के साथ यूपी में अब लव जिहाद के खिलाफ भी कानून बन चुका है, जिसे विधानसभा में पेश किया गया और वो पास हो चुका है, 14 साल जेल और 10 लाख जुर्माने की है इसकी सजा। डिटेल्स में बता दें आप सबको इस बारे में कि 10 साल नहीं अब उम्र कैद होगी, योगी सरकार में लव जिहाद विरोधी बिल किया गया और भी ज्यादा सख्त। वहीं इसी के साथ अगली खबर, कुंभ के लिए खरीदी जाएंगी 1120 बसें, योगी कैबिनेट की बैठक में 1000 डीजल बसों और 120 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। वहीं इसी के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन से बड़ी खबर, महाकाल की नगरी बनाएगी डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड, CM की उपस्थिति में 5 अगस्त को सवारी निकलने से पहले 1500 वादक डमरू बजाकर बनाएंगे इसका विश्व रिकॉर्ड। वहीं इसी के साथ भारतीय किसानों को लेकर अगली बड़ी खबर, अब किसानों को बीमा कंपनियों पर नहीं होना पड़ेगा निर्भर, कृषि विभाग ने जारी किया यह नंबर, कॉल कर तुरंत सूचना दे सकते हैं इसकी। वहीं आपको बता दें कि किसान फसल बीमा से संबंधित शिकायत करने के लिए 1-444-7 पर फोन करना होगा आपको। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार हो चुकी है सख्त, दिल्ली की घटना के बाद यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई।
वहीं इसी के साथ आज की अगली व अंतिम बड़ी खबर, अमेरिकी चुनाव के बीच ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर से बैन हटा लिया गया। 2021 में इन पर बैन लगा दिया गया था। मेटा बोला, सभी को प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं इसी के साथ तालिबान ने 14 देशों में अफगानी दूतावास अमान्य घोषित किए। ये पिछली सरकार में खोले गए थे। यहाँ से जारी पासपोर्ट वीजा भी अवैध होगा। तो इसी के साथ कैसी लगी आपको आज की ये खबरें, अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।